तो जनाब अभी हम दार्जिलिंग पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है अभी दोपहर का एक। टाइम हो रहा है दोपहर का एक बज रहा है। सुबह हम 9:30 बजे निकले थे न्यू जलपाईगुड़ी से और अभी एक बज रहा है। तो तकरीबन कितना टाइम हुआ भाई? मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है। सबसे तो बोल ही रहा है ये करता है। अरे भाई 9:30 से 1 बजे कितना घंटा हुआ? 12:52 हो रहा है भाई, एक पकड़ ले 3.5 घंटा। तो तकरीबन 3.5 घंटा लगा हमें न्यू जलपाईगुड़ी से यहाँ तक आने के लिए। और मैंने एक अपना होटल बुकिंग करी है booking.com से, जैसा कि मैं हमेशा booking.com से ही करता हूँ और मैं रिकमेंड भी करता हूँ आप booking.com से कीजिए। और ये जो मेरा होटल है क्लॉक टावर के पास में ही है। क्लॉक टावर से तकरीबन 150-200 मीटर आसपास में है और क्लॉक टावर मेरे ठीक सामने है। क्लॉक टावर ठीक मेरे सामने, शायद मैं हम गलत रास्ते से जाते हैं। इससे जाना है क्या? हाँ, क्लॉक टावर के ठीक पास में ही है। तो मैं अब अपना गूगल मैप ऑन करके देखता हूँ अपना होटल किस तरफ दिखाता है। मुझे याद है पिछली बार मैं जब आया था तो काफ़ी देर हो गया था। यहाँ पे पहुँचते मुझे रात का 8 बज गया था जब मैं पिछली बार आया था, लेकिन इस बार बहुत जल्दी आ गए तो पूरे दिन का हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और ये रहा वो क्लॉक टावर। गूगल मैप में अभी रास्ता मुझे सामने दिखा रहा है, यहाँ से 140 मीटर दूर है। 100 मीटर सीधा और 40 मीटर लेफ्ट जाना है। सो लेट्स गो भाई साहब। ये तो मानना पड़ेगा वेदर काफ़ी सुहावना है यहाँ पे और अपने कोलकाता के मुकाबले तो काफ़ी ठंड है यहाँ। ढेर सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। एक सबवे मुझे दिख रहा है। अरे ये वो सबवे नहीं है भाई, ये खाने वाला सबवे। तो अब जाके सीधा होटल में चेक इन करेंगे और जाएंगे। यही है will get the better view. Hello. Excuse me. We have a booking. We have a booking. So the name of this property is Fab Express Tibet Homes। और ये जो property है मैंने एक रात के लिए book किया है। इसका ratings काफ़ी अच्छा था और price भी booking.com पे मुझे reasonable लगा, that's why मैंने इसे book किया। So now it's time to check in कर दीजिए आई कार्ड। इट्स टाइम टू सबमिट माई आई कार्ड। हेलो, कैन वी गेट हैव सम मील हियर? कुछ खाना वाना यहाँ पे अवेलेबल है क्या? अभी हम लोग का फूड नहीं है। बाहर में कहाँ पे जा सकते हैं? अभी पास में रेस्टोरेंट है महाकाल नाम के। ओके, महाकाल। कितना वार्म वाटर मिलेगा यहाँ? हाँ जी, वार्म वाटर, गर्म पानी है आपको रूम में सब कुछ है। मैं बताऊंगा, मैं एक रूम टूर करने के बाद बताऊंगा मैंने उस होटल को कितने रुपये में बुक किया और मुझे क्या क्या मिल रहा है। कमरा मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा छोटा सा कमरा है। काफ़ी छोटा सा कमरा है बट जो इंटीरियर डेकोरेशन है काफ़ी खूबसूरत है। जो थीम है वो बुद्धा का थीम बनाया गया है क्योंकि इस होटल का नाम ही है द तिब्बत होटल्स। और इस रूम में क्या क्या अवेलेबल है मैं बताता हूँ आपको। एक टीवी है। टीवी के ठीक सामने एक खिड़की है, खिड़की से सीधा कंचनजंगा दिखता है, हालांकि अभी दिख नहीं रहा है, बादल हैं। और ये एक बेड दो लोगों के लिए, बेड के ऊपर ये एक लीफलेट है, ये योगा से रिलेटेड है क्योंकि बुद्ध और बुद्धिस्ट और योगा का बहुत ही गहरा कनेक्शन है, तो दैट्स वाई ये योगा का एक यहाँ पे लीफलेट है। एक टॉवल है, आई थिंक 2 टॉवल होगा।
चेयर है, एक टेबल है, एक फोन है और है एक कपबोर्ड। अच्छा भैया सब कुछ सैनिटाइज है ना? हाँ सैनिटाइज है जी, सब क्लीन है। हाँ सब कुछ सैनिटाइज है तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे बाथरूम, मैं अपना दूसरा कमरा दिखाता हूँ। ये है दूसरा कमरा। अभी भाई साहब बनियान में है तो मैं उस तरफ का तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ, इधर आ जाइए। हाँ तो ये है दूसरा कमरा, आप जैसा कि देख सकते हैं मतलब अपना बोरिया बिस्तर बिछ चुका है यहाँ पे। और रूम काफ़ी खूबसूरत है, मतलब 1900 रुपए में दो कमरा मिला है। और कमरा देख सकते हैं कमरे की डेकोरेशन क्या है, ऐसा मैं जब पिछली बार दार्जिलिंग आया था तो मैंने इससे ज़्यादा प्राइस पे किया था। बट मैं सही बताऊँ मुझे रूम ऐसा नहीं मिला था, रूम काफ़ी मतलब नॉमिनल सा मिला था। सो नाउ इट्स टाइम टू शो यू द लॉबी। लॉबी भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लॉबी है, लॉबी से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लॉबी है और यहाँ से नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत आता है। वो कंचनजंगा का पहाड़ है, सुबह में पूरा चीज़ देखता हूँ, सफ़ेद वाला दिखता है ना। ओके वो पूरा पहाड़ एकदम दिखता है, बड़ा पौधा। ओके आपको ऊपर से जाइए, आप इसके ऊपर जाइए पूरा व्यू दिखेगा। ओके 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 अभी थोड़ा ये बादल आ गया तो अभी क्लाउड के वजह से कंचनजंगा पहाड़ दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ से कंचनजंगा का व्यू आप देख सकते हैं। ये होटल का रूफ टॉप, तो अब मैं बताता हूँ इस रूम के लिए मैंने कितना पे किया। तो इस रूम के लिए मैंने पे किया booking.com पे, मेरे सामने बहुत सारे डील्स आ रहे थे और मैंने एजेंट्स से भी बात करी थी, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और booking.com से इसे बुक किया सिर्फ 1900 रुपये में चार लोगों के लिए। तो जब ये 1900 रुपये चार लोगों में डिवाइड होता है तो ये काफ़ी और भी ज़्यादा नॉमिनल हो जाता है, मतलब तकरीबन 450 रुपये एक लोगों के लिए। अगर 450 रुपये में अगर आपको ऐसा प्रॉपर्टी मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आज 10 अक्टूबर दोपहर का 1 बज रहा है और फिलहाल अभी हम लोगों ने चेक किया, अब बारी आती है यहाँ पे लंच की, तो अब देखते हैं लंच कहाँ मिलता है। सो नाउ वी आर ऑन द स्ट्रीट ऑफ दार्जिलिंग एंड सर्चिंग फॉर फूड। फूड की तलाश में अभी हम दार्जिलिंग के सड़कों पे घूम रहे हैं। यस और जब मैं आ रहा था तो मुझे कुछ रिकमेंडेशंस मिला था, वी मस्ट विजिट ग्लेनरी, ग्लेनरी में हम लोग को जाना चाहिए। तो मैं भी प्लान कर रहा हूँ ग्लेनरी में जाने का। वैसे दार्जिलिंग में नेपाल की बहुतायत है तो यहाँ पे मोमोज और चाउमीन तो काफ़ी इजीली अवेलेबल है। यू कैन ट्राई द मोमोज एंड सम चाइनीज रेस्टोरेंट, द फूड फ्रॉम चाइनीज रेस्टोरेंट लाइक मोमो। Chinese food, momos and chowmein. इतना भिखारी है। This is good. Now it's time to ask someone where's the Glenary actually. Glenary down. Yeah. Okay brother, nice to meet you. Have a nice day. Okay, you too, have a nice day. Enjoy. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Restaurant.
मैंने नहीं, हम लोगों ने मिलके ऑर्डर किया, एक जनाब का तो व्रत है। मेरा नूडल्स है। बटर चिकन, और ये है आपका चिकन चाउ, और ये है आपका नान। आपका नहीं है क्योंकि hotel, and you can see this restaurant is so beautiful and nice, and this is so scenic. यहाँ से जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत है, आप अपने मील के साथ साथ नज़ारे का भी इंजॉय कर सकते हैं, तो आई रिकमेंड टू कम हेयर ग्लेनरीज। तेरा फोन चलने का।